कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 58 इमली छापर में रहने वाले कृष्णा मसी की आज अज्ञात कारणों से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक 11 से 12 बजे के बीच में स्थानीय डिस्पेंसरी में कोविड वैक्सीन लगाने के लिए वह आया हुआ था। वैक्सीन लगाने के बाद घर गया और घर पर खाना खाकर वह सो गया। सोने के बाद वह उठा ही नहीं। आनंद फानंद में लोगों ने उसे स्थानीय डिस्पेंसरी लाए, जहां पर डॉक्टरों से मृत घोषित कर दिया। अपना परिचय देंगे। मैं बसंत कुमार चंद्रा, पार्षद वार्ड नंबर 58, विकास नगर, इमली छापा। क्या घटना हुई है पार्षद जी? आज हमारे साथी कृष्णा मसी 12 बजे के आसपास ACCL हॉस्पिटल में कोरोना का वैक्सीन लगवाया, उसके बाद स्वस्थ रूप से घर गया। घर में खाना पीना खाया, खाना पीना खाने के बाद आराम करा, तो आराम करने के बाद घर वाले देखे तो सोया है, तो मृत घोष मतलब मरा हुआ पाया गया। घर वाले बताए उसको, आनंद फानंद में हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिए गए। तो क्या कुछ बीमारी थी, कुछ तकलीफ था ऐसा? बीमारी तो ऐसा नहीं है, हर दिन के भांति सुबह शाम रोज घूमना फिरना था। सुबह भी मुलाकात हुआ था और शासन की योजना के अंतर्गत 45 साल से ज़्यादा उम्र को वैक्सीन लगाना है, उसी के तारतम्य में वो भी वैक्सीन लगवाने आया और वैक्सीन लगवा के गया। घर में खाना पीना खाया, आराम किया, आराम करने के बाद से फिर सोया रहा, तो सोया रह गया। अभी डॉक्टरों ने उस कोविड जांच की मृत उपरांत, क्या उसका कोविड जांच भी किया गया तो उसमें नेगेटिव पाया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम मसीह है। अपने पिताजी को, कृष्णा मसीह को लेके आज यहीं का हॉस्पिटल आया था कुसमुंडा का। यहाँ 11 बजे कोरोना का वैक्सीन लगाया गया, उसके बाद घर गया, सब बच्चों के साथ खेला कूदा, खाना वाना खाया हो, फिर दोपहर में सोया था। उसके बाद मैं दोपहर 3:30 बजे करीबन उसको उठ कर देखा तो उसका मुँह खुला का खुला रहा था और उसका हाथ वाथ कुछ सांस वाँस कुछ काम नहीं कर रहा था। उसके बाद तुरंत मैं अपने आसपास सभी पड़ोसियों को बताया इसके बारे में और हम ये हॉस्पिटल आए हैं और भी पिताजी को मर्चरी में रखे हैं। उसका कोरोना टेस्ट हुआ तो नेगेटिव निकला है। क्या एक दो दिन पहले इनकी तबीयत खराब थी, कुछ बीमारी था इनको कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सबके साथ घूमना फिरना था, आना जाना था, साथ में सभी के थे, अच्छे थे, स्वस्थ थे। स्वस्थ थे।